आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ टीचिंग एज वेल एज अपनी परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी। यहाँ पे आप पीजी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में भी पीजी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी स्केल भी काफी अच्छा रहेगा आपका, काफी अच्छी वैकेंसी है, जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल रहेगी, सारी डिटेल मैंने आपके लिए वीडियो में कवर कर दिया, तो बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आप सर्च कर रहे हो कि नेट और बीएड में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दी गई है इससे रिलेटेड, तो अगर आप चाहते हो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई बटन दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ। एक मैं आपकी टीचिंग पोस्ट रिलीज करी गई, एक मैं आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट रिलीज करी गई है। तो सबसे पहले आते हैं हम अपनी नॉन टीचिंग पोस्ट पे। यहाँ पे आपकी डिफरेंट पोस्ट रहेगी एंड ये रिलीज करी गई आपकी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है वेब डेवलपर की रहेगी। थ्री पोस्ट है आपकी एंड सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा रहेगा, लाइक 45,000 से 55,000 पर मंथ। कंसोलिडेटेड है, परमानेंट नहीं है ये पोस्ट आपकी। एमसीए बीटेक वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज टेक्निकल मैन पावर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड यहाँ पे आपकी टू पोस्ट रहेगी। सैलरी स्केल 25,000 से 35,000 पर मंथ रहेगा। इतना सैलरी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज नेटवर्क असिस्टेंट की, एक ही पोस्ट रहेगी, सैलरी रहेगी 25,000 to 35,000 पर मंथ। यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, वन पोस्ट रहेगी, 45,000 से 55,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगी। एंड यहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे आप एमटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पोस्ट इज कंप्यूटर ऑपरेटर की, टू पोस्ट है, सैलरी बिटवीन रहेगी आपकी 25,000 से 30,000 के। एंड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास डिप्लोमा है इन कंप्यूटर साइंस, आपके पास आईटी है, बीसीए की डिग्री है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 31st of January को। इंटरव्यू का टाइम मेंशन कर रखा है, इंटरव्यू आपका अलाहाबाद के अंदर लोकेटेड होगा। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, कितनी एज लिमिट रहेगी वो भी आपको हर पोस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन कर रखी है। वो आपकी अनरिजर्व की एज लिमिट है, इट मींस अगर आप बिलोंग करते हो कैटेगरीज लाइक एससी एसटी, तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगी। कोई भी आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं है, पर कोई भी आपको ट्रैवल अलाउंस भी यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको आपको फिलआउट करके लेके जाना है, ठीक है। इतना ही आपका प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया टीचिंग पोस्ट है। यहाँ पे आपकी अच्छी सारी पोस्ट रिलीज करी गई, लेकिन परमानेंट नहीं है, ये गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट रहेगी। डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़। एंड यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी आपको सबमिट कराने की, अपना एप्लीकेशन फॉर्म इज 6th of February। एंड यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है हेल्ड होगा आपका रिटन या इंटरव्यू, तो 10th of February को होगा। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी, मोस्टली इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप पीजी के बेसिस पे, इवन बीटेक के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ये रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई आपकी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से, ठीक है। इतना ही आपको प्रोसेस मेंशन कर रखा था, बाकी अप्लाई करते हो दोनों में ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।